बाप कस्बे के साधारण परिवार में जन्मे अशोक पुत्र इंद्रलाल कुमावत ने कॉलेज सहायक आचार्य में 15वीं रैंक प्राप्त कर गांव का गौरव बढ़ाया है। बाप के पूर्व उप प्रधान जगदीश पालीवाल, शिक्षाविद कन्हैयालाल पालीवाल, युवा उद्यमी मूल सिंह मोडरडी, प्रकाश कुमावत, वार्ड पंच सवईलाल, सुरेश मुंधा, एडवोकेट मदन शर्मा, किशोर कुमार पुरोहित की उपस्थिति में साफा पहनाकर कुमावत का अभिनंदन किया गया। पूर्व उप प्रधान जगदीश पालीवाल ने कहा कि हमारे मन में इच्छा शक्ति होने पर हम मंजिल अवश्य पाते हैं। अशोक कुमावत ने बाप क्षेत्र का नाम रोशन किया है, यह हमारे लिए गौरव की बात है। मूल सिंह मोडरडी ने दुपट्टा उड़ाकर अभिनंदन कर बधाई दी। इस मौके पर इंद्रलाल कुमावत, सीमा जन कल्याण समिति जिला अध्यक्ष अखिराज खत्री, शिक्षाविद मांगलाल कुमावत, जगदीश कुमावत, राजीव कुमावत, मांगलाल सेन, गैना पालीवाल, राधा, बसंती, समंद्र सिंह इंदा आदि उपस्थित रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बडीशेड में शनिवार को नो बैग डे के अवसर पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य विद्यावती यादव एवं अध्यापिका पुष्पा देवी सुथार द्वारा विद्यालय की बालिकाओं को गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी देते हुए बालिकाओं को जागृत किया, साथ ही बताया कि बालिकाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़कर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सामाजिक चेतना के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर अध्यापक जेठमल जटिया, कृष्ण मुरारी, भोमराज दर्जी, मांगीलाल, श्याम सुंदर पालीवाल, रमेश राणा, पारस कुमार आदि उपस्थित रहे। भारत विश्व गुरु स्थान प्राप्त करे, इसी प्रयास में लगी विहिप की प्रखंड बैठक शनिवार को बाप उपखंड की ग्राम पंचायत सूरपुरा में हुई। प्रखंड अध्यक्ष हीरालाल पालीवाल ने बताया कि प्रखंड के 23 कार्यकर्ताओं ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए संत रघुवरदास जांबा ने कहा कि दुर्बल की सहायता कोई नहीं करता, शक्तिशाली हिंदू समाज ही भारत के नव निर्माण की नींव है। हम सब लोगों को हिंदू समाज को संगठित व मजबूत करने के लिए क्षेत्र में विहिप को मजबूत करना समय की मांग है। जिला अध्यक्ष जयप्रकाश गुच्छिया ने कहा कि संगठित शक्ति को सब नमन करते हैं। बैठक में रामचंद्र सोलंकी, नारायण सिंह, धन्य सिंह, राम कुमार, प्रेमा राम, गैना, राधा, बजरंग महाराज, सुरेश पालीवाल, दिनेश पालीवाल, योगेश हिंदू, रतन पेंटर, अखिराज खत्री आदि उपस्थित रहे। बाप कस्बे के मेघवाला का बास में करपारा मेघवाल के घर से बरसिंगा विला तक करीब 2000 फीट मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत ने हाल ही में इंटरलॉकिंग सड़क बनाई। ऊंचाई में बनाई गई सड़क में पानी निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। ऐसे में बरसात होते ही मेघवालों के बास का एक इलाका जलमग्न हो गया। सड़क ने बांध के रूप में बरसाती पानी को रोक दिया। जल भराव होने से 8 से 10 घरों में 1 से 2 फीट तक पानी भी भर गया। बरसात का दौर लगातार जारी होने से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई। वार्ड पंच गणपत भारत ने बताया कि शिकायत पर विकास अधिकारी प्रदीप छंगाणी, सरपंच प्रतिनिधि जगदीश पालीवाल, ग्राम विकास अधिकारी राकेश मीणा, उप सरपंच गोपाल भट्टर, महात्मा गांधी जीवन दर्शन संयोजक एवं वार्ड पंच मनोज पुरोहित, वार्ड पंच प्रतिनिधि अशोक पालीवाल मौके पर पहुंचे। विकास अधिकारी प्रदीप छंगाणी ने सड़क के बीच में पाइप डालकर पानी निकासी का स्थायी समाधान करने के निर्देश दिए। इससे पहले विकास अधिकारी छंगाणी की उपस्थिति में ही जेसीबी से इंटरलॉकिंग सड़क को तोड़कर खाई बनाकर पानी निकासी शुरू कर दी। राजीव गांधी युवा मित्र सरकार की योजनाओं का घर घर जाकर प्रचार प्रसार कर जनता को लाभान्वित किया जा रहा है। ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी कांदाराम मेघवाल ने बताया कि नव नियुक्त राजीव गांधी युवा मित्र हर वर्ग के लोगों की काम एवं मन की बात सुन रहे हैं। शनिवार को राजीव गांधी युवा मित्र हबीब मेहर के साथ वे भी फील्ड में गए, जनता से जनसंपर्क किया तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना एवं पालनहार योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना के तहत पात्र किसानों को ई मित्र पर 31 जुलाई तक ई KYC सत्यापन करवाना अति आवश्यक है, अन्यथा योजना के लाभ से किसान वंचित हो सकते हैं। तहसीलदार प्रतिज्ञा सोनी ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल पर तहसील क्षेत्र के सभी लाभार्थी कृषकों को 31 जुलाई तक ई KYC सत्यापन करवाना अनिवार्य है। ई KYC के अभाव में कृषकों को योजना की आगामी किस्त नहीं मिलेगी।